नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मर्सिडीज बेंज ने 11 नवंबर 2018 में अपने पहले इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया था, ई सिटारो। ये एक सिटी बस है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई है। इस बस का साइज 12 मीटर्स है और इस बस में ड्राइवर के साथ 78 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आर है और रेंज 150 किलोमीटर है, जो कि 243 किलोवाट आर निकल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी के साथ आती है। मर्सिडीज बेंज के कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कोलिशन प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, साइड गार्ड असिस्ट, प्रिवेंटिव ब्रेक असिस्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बैटरी पैक के बारे में बात करें तो कंपनी ने दो बैटरी मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं, एक गाड़ी के ऊपर की और रूफ टॉप में और एक बस के रेयर साइड में। ये इलेक्ट्रिक बस एक असिंक्रोनस मोटर से चलता है और इसकी मोटर पावर 125 किलोवाट आर है व्हील पर। दो व्हील के हब मोटर्स 250 किलोवाट का टोटल आउटपुट देता है और इसमें इंटेलिजेंट इको स्टीयरिंग भी है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम डिस्क ब्रेक्स के साथ। मर्सिडीज बेंज ने निकल मैंगनीज कोबाल्ट को इस्तेमाल किया है। टोटल बैटरी कैपेसिटी 243 है, जो 150 किलोमीटर की रेंज देता है। इसमें बैटरी पैक एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है। 292 किलोवाट आर बैटरी 170 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। मर्सिडीज बेंज ने लिथियम मेटल पॉलीमर सॉलिड स्टेट बैटरीज को भी टेस्ट किया है ई सिटारो के लिए। सॉलिड स्टेट बैटरी की कैपेसिटी 441 किलोवाट आर है, जो 190 किलोमीटर की रेंज देता है। और ये सॉलिड स्टेट बैटरीज ई सिटारो और ई सिटारो जी 2020 तक आते हैं। ई सिटारो जी एक अपग्रेडेड वेरियंट है ई सिटारो का, जिसमें लेंथ को एक्सटेंड कर दिया गया है। बस की लेंथ 18 मीटर्स है और इसमें 145 पैसेंजर्स और ड्राइवर की कैपेसिटी है और ये 2020 में लॉन्च होगा। चार्जिंग एक खास हिस्सा है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ई सिटारो 2 घंटे से कम समय में चार्ज होती है और 150 किलोवाट चार्जर की मदद से इसे 200 एम्प्स के रेट से चार्ज कर सकते हैं। और इसे फास्ट चार्जिंग करने के लिए CSS टाइप 2 चार्जर भी लगता है और 1 किलोमीटर में सिटारो 2 किलोवाट आर का एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम बस के इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो इसमें ड्राइवर के लिए एयर सस्पेंशन सीट, वीडियो मॉनिटर, वर्क स्टेशन जो कि बैटरी रेंज स्पीड को बताता है। बस सिर्फ बटन्स पर काम करता है, न्यूट्रल रिवर्स। और पैसेंजर्स के सुविधा के लिए इस बस में स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए 26 USB स्लॉट्स है। बस रूट्स दिखाने के लिए बड़े TFT डिस्प्ले है और ये इलेक्ट्रिक बस पूरी तरह से एयर कंडीशन है। और एक इस बस के खास फीचर ये है कि बस को चार्ज करते वक्त अंदर का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और मर्सिडीज ने इस इलेक्ट्रिक बस को बहुत ठंडे तापमान में और काफी गर्म जगह इसे टेस्ट भी किया है। इसके बैटरीज के परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को -15 डिग्री पोलर सर्किल में भी टेस्ट किया गया है। यहाँ तक कि इस इलेक्ट्रिक बस को स्पेन के गर्म तापमान में भी टेस्ट किया गया है 30 डिग्री सेल्सियस में, ताकि इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। इसमें एक और भी यूनिक फीचर है, जैसे इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। CO2 हीट पंप्स गर्म करने में मदद करती है, जिससे कि बस गर्म रहती है ठंडे तापमान में। और गर्म तापमान में CO2 एयर कंडीशन ठंडे हवा को पैदा करती है, जिससे कि बस ठंडा होता है। और हाई वोल्टेज बैटरीज को ठंडा करती है CO2 एयर कंडीशन के साथ। ई सिटारो की कीमत 3.9 करोड़ है। ई सिटारो की पहली इलेक्ट्रिक बस नवंबर 2018 में हैमबर्गर होश बहन को दी गई थी। और हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने 3 इलेक्ट्रिक बसेस वीसबादेन जर्मनी को दिए और 2020 तक कंपनी और 53 इलेक्ट्रिक बसेस को मैन्युफैक्चर करेगी। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।